तो दोस्तों आज एक नई वीडियो में स्वागत है। ये पार्ट टू है सैंपल पेपर का जो हम डिस्कस कर रहे थे, और जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है पहले पार्ट की वीडियो। तो 7 क्वेश्चन वहां पर कवर किए थे हमने, ये 8वां क्वेश्चन है। हमारे पास फिगर दे रखी है जिसमें कह रहा है कि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट बेटा कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी आमने सामने की जो साइड्स होती है वो क्या इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर में 14 कर सकते हैं और एक्स प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। देखो बेटा हमारे पास 9th क्वेश्चन है कि सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4x² 4bx माइनस में a² माइनस में b² बराबर में 0। तो देखो बेटा लिखने का तरीका क्या है, आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि ऑन कंपेयरिंग विद कौन सी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, डी निकाल लो सस्ते में रहोगे, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक है। तो बी की जगह हमने बी रख दिया, तो बी की वैल्यू कितनी थी 4b, बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और बी का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4। ए की वैल्यू कितनी थी 4 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू कितनी थी -a² - b² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो यहां पर 16 और 16 आ रहा है तो 16 मैंने कॉमन ले लिया, b² बचा, a² - b² बचा, b² से b² कैंसिल करके d की वैल्यू ये आ गई। अब देखो बेटा हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a। इस पूरे की जगह तो आप d लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, मैंने यहां पर d लिख दिया। अब ये प्लस का साइन है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो मैंने इन दोनों को अल्फा और जो बीटा है वो क्या होते हैं एक्चुअल में जीरोस होते हैं, तो इनको मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया है इस तरह से। तो अल्फा की वैल्यू निकाल दी मैंने, ये आ गई मेरे पास सॉल्व करते हुए, बीटा की मैंने ये वैल्यू निकाल दी तो ये जीरो आ गया, तो दो जीरोस होंगे इसका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था कि इन एन एपी इफ s5 + s7 बराबर 167 दे रखा था और s10 की वैल्यू हमारे पास 235 दे रखी है, तो हमें एपी फाइंड आउट करनी है जो, और sn जो है बेटा वो क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है। तो देखो एक तो हमारी इक्वेशन बनेगी बेटा इस चीज से, ठीक है। यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला लगा दोगे, n की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, प्लस करके sn का फॉर्मूला लगा दोगे, n की वैल्यू 7 दे रखी है बराबर में 167। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। और ये जब आप ये s10 का फॉर्मूला लगाओगे तो आपसे आपको इसकी ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। बस आपको चाहे एलिमिनेशन से करना है चाहे सब्स्टिट्यूशन से करना है, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे, इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और d की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप a भी निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो a भी क्या होती है बेटा a + d और a + 2d, बस 3 ही बहुत है और डेल्टा, ठीक है, एपी मिल जाएगी। ये आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया है। 11th क्वेश्चन में फिगर दे रखी है बेटा जिसमें कि बेटा एक सेकंड पेज को पलट रहे हो, DE पैरेलल है AC के, मतलब जो DE दे रखी है हमारे पास वो बेटा पैरेलल है AC के और DF जो है वो पैरेलल है किसके AE के, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या है गिवन दे रखी है और जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात बेटा कि जो गिवन दे रखा है वो हमें ये चीजें दे रखी है जो क्वेश्चन में है ही है, और जो हमें प्रूफ करना है वो हमने इतना लिख दिया है। ये जो आपने बात लिखी है इसी का ही स्टैम्प मार्किंग में बेटा एक नंबर मिलने वाला है आपको बोर्ड में। अब जो प्रूफ करने वाले हो वो देखना, इन ट्राइंगल ABE इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूं, अगर मैं BPT लगाऊंगा तो क्या लगा सकता हूं, BF अपॉन में FE इक्वल टू BD अपॉन में DA, इसको डाल दी पहली इक्वेशन। और सिमिलरली AB और C जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें क्या है DE पैरेलल है किसके AC के, तो इसमें BPT लगाता हूं BE और अपॉन में क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, हम लोगों ने सामने BPT पढ़ी है, बराबर में क्या हो जाएगा BD और DA, भाई यही तो चीज होती है। तो ये BE ले लिया मैंने यहाँ पर और ये क्या ले लिया EC ले लिया, और यहाँ पर BD ले लिया यहाँ पर मैंने और DA ले लिया, ठीक है। ये कर दी पहली और दूसरी क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो BF अपॉन में FE है और BD अपॉन में DA है, तो BD अपॉन में DA और BD अपॉन में DA दोनों तरफ से दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये वाली बात भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें लेके आना था, पहली दूसरी क्वेश्चन से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।